अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वकार हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज पंजाब असम्बली में वोटिंग का सिलसिला होना था और हमजा शहबाज बिल मुकाबिल चौधरी परवेज़ इलाही नए वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होना था, लेकिन बदमजगी हुई। पंजाब असम्बली में लोटे लहराए गए, स्पीकर से हाथापाई की गई और इस तनाजुर में जो अंदर हुकूमती अरकान है वो क्या कहते हैं, आज हम आपकी उनसे बात करवाएंगे और वो लोटा करेसी के बारे में क्या कहते हैं और वोटिंग का सिलसिला होना चाहिए या नहीं, या आज हो पाएगा या नहीं। पंजाब असम्बली में जो बदमजगी हुई है, आपको नहीं लगता कि कोई अगर हक रायदही इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए हुकूमती अरकान की जानिब से? देखिए, हमने किसी की हक रायदही के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं डाली। हमने सिर्फ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज किया। आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 95 मुझे बाउंड करता है कि मैं जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुआ हूँ मैं उस पार्टी की हेड की मर्जी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। हमने बिल्कुल नॉर्मल कॉमन पुरअमन एहतजाज किया है, ये हमारा हक है। ये दुनिया भर की असम्बलियों में इस तरह के एहतजाज होते रहते हैं। हमने लोगों को ये दिखाना है कि वोट को इज्जत देने के जो अलमबरदार हैं वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उन 18-19 अरकान को, जिनको एक माह से उन्होंने महबूस रखा हुआ है, उनको लेकर किस तरह अपने जल्लू में ये असम्बली में आते हैं। हमने इस बार पर एहतजाज किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो पुरअमन एहतजाज किया है उसमें लोटों का इस्तेमाल कोई गैर जमहूरी काम तो नहीं है? किस तरह से गैर जमहूरी काम है? लोटा एक अब सिंबल बन गया है। लोटा एक सिंबल है इस चीज़ का कि जो लोग अपनी वफादारियाँ बदलते हैं। हमारे पास कौन सा वे एहतजाज करने का, हम कैसे पाकिस्तानी कौम को दिखाएं अगर इन लोगों को, ये इतने डेमोक्रेटिक हैं, ये अपनी सीट से रिज़ाइन करें, ये रिज़ाइन कर इलेक्शन लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये गैर जमहूरी रवैया अख्तियार करेंगे, लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, वो वुज़रा जो 4.25 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट का पार्ट थे, जो पंजाब चलाते रहे हैं, एक दिन में इनकलाब आ गया, एक दिन में उनका ज़मीर जिंदा हो गया, तो हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तानी कौम को इनका ये चेहरा दिखाएंगे। लोटों का तो इस्तेमाल हो सकता था लेकिन स्पीकर के साथ हाथापाई ये होना चाहिए था? देखें, ये जो ऐवान होता है ये आइन का पासदार है। पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत है। पार्लियामान में पुलिस की आमद किस लिए हुई है, किस लिए पुलिस को लाया गया है, पुलिस को किसने राइट दिया है कि वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए जहाँ कोई गैर मुंतसब शख्स नहीं आ सकता। किसी ने डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद नहीं किया, एहतजाज किया है, एहतजाज किया, उनको बताया है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से बनकर यहाँ डिप्टी स्पीकर बने हैं, आपके साथ ही कोई कैपेसिटी नहीं है, आप रिज़ाइन करें, आप आ जाए, हम आपको कुछ, हमने किसी नून लिख के किसी कैंडिडेट को कहा, किसी नून लिख के रुकने असम्बली को कुछ कहा, कतर नहीं कहा। जाहिर है वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीते हुए हैं, उनका राइट बनता है। हमने सिर्फ उन लोगों को कहा है जिन्होंने हमारे नाम पर वोट लिए, बल्ले के नाम पर वोट लिए और कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जमहूरियत को दरमियान से ना पकड़े ना, जो हाउस है ये जमहूरियत की वजह से, तो अंदर ये क्या जमहूरियत की कदरें पामाल नहीं होती जब आप अपनी वोट बेच के आ जाते, जब आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको डिप्टी स्पीकर या जो लोग भी हैं पार्टी के नाम पर इलेक्ट होके आए, वो फंड्स लेते रहे, डेवलपमेंट के फंड्स लिए, काम कराएं और आखिर में आके अपनी अपनी लॉयलिटी को आप कोई 10 करोड़ पे, कोई 15 करोड़ पे बेच के आ जाए, कोई क्या ये जमहूरियत की कदरें पमाल नहीं की जा रही? तो मेरे नज़दीक ये पब्लिक सेंटीमेंट है, ये मेरा कोई पर्सनल सेंटीमेंट नहीं है, तो ये पब्लिक सेंटीमेंट ऐसा ही होगा भाई। और हम पूछने के लिए कि 2-3 दिन से तो आपको तलाश करें, आप मिल नहीं रहे, तो एटलीस्ट आप हमें बताएं कि हमने जो आपको वोट PTI के नाम पर दिया है वो क्यों बेच के आए हैं, आपने अपनी लॉयल्टी क्यों चेंज की है, ये कौन सा नजरिया है, नजरिया एक नोट है, नजरिया कौन सा जिसके ऊपर आपने चेंज किया? तो मेरे नजदीक वी शुड, और सबसे बढ़ के सबसे आखिर में मोहतरम गए, या तो होना कि आज से कुछ 6 महीना पहले इस्तीफा देके कहते मैं डिप्टी स्पीकर नहीं रहता, मेरे इख्तलाफ है गवर्नमेंट से, मेरे इख्तलाफ है PTI से, मेरे इख्तलाफ है उस्मान बुज़दार से या इमरान खान से, तो भाई और बात है। आप 11th hour में खाना हमारे साथ खाते हैं, रोटी हजम नहीं हुई और रात को अपनी लॉयल्टी किसी और को शो करके जाते हैं, क्यों? मैंने वोट दिया है, मैं पूछूंगा, मेरा हक है। अगर यही सूरत हाल रही पंजाब असम्बली में तो आप समझते हैं कि वोटिंग हो पाएगी? भाई अभी तक तो डेडलॉक है, माहरीन बैठे हुए हैं, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। वोटिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो मुंतजर हैं, करा लें भाई। जीत हार की क्या बात, कौन, अब मैं हैरान हूँ कि एक मैच ऐसा है जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है, क्यों इमरान खान के जो आपके जलसे हैं उसमें मॉब देखे आपने, गैदरिंग देखी है, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं रमजान मुबारक की रात, पूरी पूरी 6-6 घंटे रात को बैठ रहे हैं, क्या ये इजी बात है? ये पब्लिक सेंटिमेंट है, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हमारे मुल्क में मुदाखलत इस हद तक हो कि आपकी हुकूमत टॉपल हो जाए और आपके लोग खरीदे जाएं, और सबसे मुअज़्ज़ज़ अरकान है ना इसके अंदर, ये रेट लगता है मुअज़्ज़ज़ अरकान का, तो वो कौम क्या बनेगी जिसके अरकान ही खरीदे जाएँ?
तो इसलिए मेरे नजदीक हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक है। व्हाट्स बैड इन इट? हाथापाई करनी चाहिए थी स्पीकर के साथ। हाथापाई तो तब हुई जब गार्ड बीच में पड़े और धक्के धक्कम फेल हुई। सिर्फ बात की हद तक बात जा रही थी, गार्ड अंदर क्या कर रहे थे? लोटा क्रेशी होनी चाहिए क्या? फ्लोर क्रेशिंग होनी चाहिए क्या? वोट के साथ गद्दारी होनी चाहिए? ये मेरे आपसे सवाल आते हैं। ये कौन आपसे? बिल्कुल नहीं होनी, नहीं होनी चाहिए। तो बस फिर समझ ले, जब वो होगा तो उसकी रिटेलिएशन में जवाब भी वैसा ही आएगा। रिटेलिएशन में मारपीट की इजाज़त है? रिटेलिएशन में मारपीट किसी ने नहीं की, उसको सिर्फ ये समझाया है कि ग्रेसफुलनेस ये है कि आप इस्तीफा दें और दूसरे की सफ़ में जाके बैठें, और आपकी जगह पे कोई भी पैनल ऑफ चेयरमैन आए, इलेक्शन करवाए लीगल तरीके से। आपका ये अब राइट नहीं बनता, स्पेशली आफ्टर जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आ चुकी है। उसके अलावा आप अपना वोट बेच चुके हैं, आप बिक चुके हैं, तो आप फिर ग्रेसफुल रहे, फिर आप डोंट कम इन टू द रेन ऑफ फायर, देर इज़ नो पॉइंट। कोई भी पैनल ऑफ चेयरमैन बन जाता है ना, जो असम्बली के रबते असूल हैं उनके मुताबिक, रूल्स के मुताबिक कोई भी बन सकता है, वो कोई इशू नहीं है। दोस्त मोहम्मद मजारी नहीं होगा, उसके अलावा जो मर्जी हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंजाब पुलिस की जानिब से एक ऐसी फोर्स तैयार की जा रही है जो ऐवान में अंदर पंजाब असम्बली में होने वाले जो भी इश्तियाल अंगेजी हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके, और अगर कोई इस तरह की बदमजगी दोबारा होती है तो उस पर ये क्या रद्द अमल देंगे, इस फोर्स का क्या मकसद है? और जैसा कि मेरे पीछे वो फुली उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कोई भी इस तरह का पार्लियामान के अंदर कोई काम होता है या पंजाब असम्बली के अंदर काम होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। और आपने जैसा कि देखा था कि हाथापाई हुई है, लोटे लहराए गए और हाथापाई तक ये बात पहुंची है। आपने हुकूमती अराकीन की राय सुनी, उन्होंने ऐसा कहा है कि लोटा करेंसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो ज़मीर बेच कर आए हैं उनका वोट हम हरगिज़ उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे, इस्तीफ़ा दें और वोट दें, इस तरह से उनका ये मामला चल सकेगा। आपने हुकूमती अराकीन की राय सुनी। अपने होस्ट वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।